बॉलीवुड की लवी डवी जोड़ी वैलेंटाइन डे पर एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। इस बार के वैलेंटाइन डे पर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत के पास ना तो कोई गुलाब का फूल है और ना ही कोई रोमांटिक डेट की तस्वीर। इस बार नेहा कक्कड़ के लिए उनके पति रोहन प्रीत सिंह ने एक बेहद खास सरप्राइज प्लान किया था। इस सरप्राइज को दोनों ही सेलिब्रिटीज के फैंस भी इंजॉय कर पाएंगे। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और बात करते हैं नेहा कक्कड़ के नॉट टू बी सरप्राइज वाले प्री प्लान्ड लुक अलाइक सरप्राइज की। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरप्राइज तो वो होता है ना जिसके बारे में पहले से पता ना हो, लेकिन इधर तो मामला कुछ और है। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत का नया रोमांटिक सॉन्ग गम खुशियां आखिरकार रिलीज हो गया। ये गाना रोहन प्रीत सिंह ने अपनी वाइफ नेहा कक्कड़ के लिए कंपोज किया। इस गाने को अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ ने अपनी आवाज दी है। इस गाने को राणा सौतल ने लिखा है और हमेशा की तरह ये गाना नेहा और रोहन प्रीत पर ही फिल्माया गया। इस न्यूली रिलीज सॉन्ग के बारे में बात करते हुए नेहा कक्कड़ ने बताया है कि रोहन प्रीत गम खुशियां पर काफी लंबे समय से काम कर रहे थे सिर्फ उन्हें वैलेंटाइंस डे गिफ्ट देने के लिए, और सॉन्ग की रिलीज के साथ ही उनका ये प्लान भी पूरा हो गया है। वहीं रोहन प्रीत का इस गाने को लेकर काफी इमोशनल रिस्पांस मिला। उनका कहना है कि ये सॉन्ग पूरी तरह से नेहा को डेडिकेटेड है। उनके हिसाब से हर वो व्यक्ति जो प्यार में है वो इस गाने से खुद को कनेक्ट कर पाएगा और जो नहीं है वो इस गाने से अच्छी तरह से जुड़ पाएगा। बात करें इस गाने के पब्लिक रिव्यू की तो रिलीज के एक ही दिन में यूट्यूब पर इस गाने को करीब 2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर काफी मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बात करें नेहा और रोहू के वीडियोस की तो उनकी वीडियो आते ही वायरल हो जाती है और कोई ना कोई नया किस्सा सामने आ जाता है। उनकी पिछली वीडियो को देखकर लोग नेहा कक्कड़ के प्रेग्नेंट होने के कयास लगाने लगे थे और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन इस वीडियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद फैंस को भी समझ आ गया है कि ऐसी गुड न्यूज जब होगी तो नेहा खुद ही उन्हें इस बात की जानकारी दे देंगी। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स।